हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आचार्य श्री मापरगी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस आसिन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट है हमारे बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, उसका पार्ट 31। इससे पहले हमने पार्ट 30 के अंदर जो हमारे लेसन चल रहा है डिस्पर्जन, उसके बारे में हमने देखा था। लास्ट टॉपिक थ्योरी देखी थी हमने, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आपकी बुक है यादव जैन मित्तल, उसका क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि गेहूं और चावल के मूल्य के निर्देशांक नीचे दिए गए हैं। इंडेक्स नंबर हमारे को दिया हुआ वेट का और राइस का, किसके मूल्य में अधिक विचरण है। इट मीन वेट और राइस में हमारे को देखना है कि कौन ज़्यादा मोर वेरिएबल है, किसकी प्राइस में ज़्यादा परिवर्तनशीलता है। ठीक है, इट मीन्स हमारे को इसमें वीट और राइस दोनों में क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो हमने कल जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने देखा था कि यदि अगर हमारे को दो श्रेणी में अगर कंपैरिजन करना होता है तो उस केस में हमारे को क्या फाइंड आउट करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इट मीन्स सीवी हमारे को फाइंड आउट करना होता है। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे को क्या फाइंड आउट करना होगा, सीवी हमारे को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर है आपके 39। क्लियर, जिसमें वीट और राइस का इंडेक्स नंबर हमारे को दिया हुआ, सीवी हमारे को निकालना है। इसका मतलब वीट और राइस दोनों अलग अलग हो गए, इट मीन जो सीरीज हो गई कौन सी होगी, इंडिविजुअल सीरीज हो गई। इंडिविजुअल सीरीज में अब हमारे को क्या करना है, सीवी फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, सबसे पहले वीट दिया हुआ हमारे को, वीट को हम मान लेंगे एक्स। उसके बाद में राइस दिया हुआ है हमारे को, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक्स है, इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में अगर हमारे को सीवी फाइंड आउट करना है तो सीवी के लिए हमारी जो फॉर्मूला आता है वो आता है यूज में कि स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। इट मीन्स इसमें हमारे को स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड आउट करना होगा और एक्स बार भी फाइंड आउट करना होगा। क्लियर, अब स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे को निकालना है इंडिविजुअल सीरीज में, तो उस केस में हमने देखा कि ज़्यादा बेनिफिशियल जो होता है वो कौन सा मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट मीन्स शॉर्टकट मेथड में हमारे तीन कॉलम बन जाएंगे, इसमें एक आएगा हमारे डी एक्स और एक आएगा हमारे डी एक्स स्क्वायर। क्लियर, उसके बाद में राइस जिसको हम डिनोट कर देंगे वाई से। क्लियर, सबसे पहले एक्स, जो वीट को हमने एक्स माना है उसकी प्राइस हमारे को दी हुई है, इंडेक्स नंबर है 150, 158, 162, 175, 180 और 200। ठीक है, और राइस का हमारे को इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 120, 122, 128, 130, 130 और लास्ट है 135। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, सीवी हमारे को फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा है कि सीवी के लिए हमारे को स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना होगा। सीवी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। क्लियर, तो सीवी यदि हमारे को फाइंड आउट करना है तो उस केस में स्टैंडर्ड डिविएशन और एक्स बार दोनों ही हमारे को निकालना होगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो उस केस में हमने देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हम निकाले शॉर्टकट मेथड के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सीरीज में, तो उसके लिए डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर दो कॉलम हमारे को बनाने होते हैं। उसी प्रकार वाई सेकेंड सीरीज हो जाएगी आपकी, उसमें अब भी आपको दो कॉलम बनाने होंगे जिसको हम डिनोट कर देंगे डी वाई और डी वाई स्क्वायर।
क्लियर। जैसे हमने डीएक्स की कैलकुलेशन हमने देखी थी, वैसे ही हमारे को डीवाई की कैलकुलेशन वही रहेगा, सिर्फ हमारे को नाम ओनली फॉर चेंज करना है। क्लियर। डीएक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी एक को एज्यूम मीन मानते हैं, एक्स में से ए माइनस कर देते हैं। क्लियर। अब जो वैल्यू दी हुई उसमें से किसी को भी हम एज्यूम मीन मान सकते हैं, जैसे माना कि हम 150 को मान लेते हैं, 150 को एज्यूम मीन मानते हैं, तो 150 माइनस 150 जीरो, 158 माइनस 150 प्लस का 8, 162 माइनस 150 प्लस के 12, 175 माइनस 150 25, 180 माइनस 150 30 एंड देन लास्ट 50। डी एक्स स्क्वायर मीन्स जो डी एक्स आया उसको हमारे को उसी संख्या से मल्टीपल करना है, तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स 0, 8 को 8 से मल्टीपल किया 64, 12 को 12 से मल्टीपल किया 144, 25 को 25 से मल्टीपल किया 625, 30 को 30 से मल्टीपल किया 900 और 50 को 50 से मल्टीपल किया 2500। क्लियर। ये हो गया हमारी फर्स्ट सीरीज। अब है सेकंड सीरीज, जिसमें राइज हमारे को दिया हुआ है और उसकी वैल्यू हमारे को दी हुई है, जिसको हमने नोटेड दिया है वाई, राइज को वाई से, तो हमारे को डी वाई और डी वाई स्क्वायर दो कॉलम हमारे को बनाने होंगे। डी वाई कैसे निकलेगा, किसी एक को एज्यूम मीन मानना होगा और वाई में से ए माइनस करना होगा, जो वैल्यू आएगी उसको हम नोटेट करेंगे किससे, डी वाई से। हम अपनी इच्छा से किसी को भी मान सकते हैं, 130 को मान लेते हैं, 130 को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं, 120 माइनस 130 माइनस 10, 122 माइनस 130 माइनस 8, 128 माइनस 130 माइनस 2, 130 माइनस 130 0, 135 माइनस 130 प्लस की 5। क्लियर। फिर हमारे को जो डी वाई आया उसी का स्क्वायर करना है, वो कहलाएगा हमारा डी वाई स्क्वायर। माइनस 10 को माइनस 10 से मल्टीपल किया प्लस के 100, 8 को 8 से मल्टीपल किया 64, 2 को 2 से मल्टीपल किया 4, 0, 5 को 5 से मल्टीपल किया 25। क्लियर। देन हमारे को क्या करनी है, इसकी टोटल करनी है, डी एक्स की टोटल काम में आएगी, इसकी टोटल जो कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी समेसन डी एक्स, और डी एक्स स्क्वायर की जो टोटल आएगी वो कहलाएगी हमारी समेसन डी एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार डी वाई की जो टोटल आएगी वो कहलाएगी समेसन डी वाई, डी वाई स्क्वायर की जो टोटल आएगी वो कहलाएगी समेसन डी वाई स्क्वायर। क्लियर। वन ट्वेंटी फाइव समेसन डी एक्स आ गया। समेसन डी एक्स स्क्वायर यदि हम कैलकुलेट करें तो वो आएगा हमारे 144 प्लस 64 625 और 34, इट मीन्स 4233। उसी प्रकार समेसन डी वाई 5 प्लस में है 20 माइनस में है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस में 15। क्लियर। समेसन डी वाई स्क्वायर यदि हम देखें तो ये आएगा आपके 64 प्लस 4 इट मीन 68 और 25, 168 प्लस 25 इज इक्वल टू 193। ठीक है। और n का मान भी चाहिए, n मीन्स नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स 6 वैल्यू दी हुई दोनों के अंदर, दोनों में n का मान 6 हो जाएगा। अब हमारे को निकालना है स्टैंडर्ड सी भी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट वीट का, वीट का यदि हमारे को सी वी निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। उसके लिए हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे हम किससे, समेसन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर टोटल अंडर रूट के अंदर। शॉर्टकट मेथड इंडिविजुअल सीरीज में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखा है, समेसन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेसन डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। समेसन डी एक्स स्क्वायर आया हमारे पास में 4233 डिवाइडेड बाई एन का मान है हमारे पास में 6 माइनस समेसन डी एक्स है हमारे पास में 125
डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर, टोटल वैल्यू किस में आएगी, अंडर रूट के अंदर। 4233 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 705.5 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 20.83 का स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट है आपके 705.5 माइनस 20.83 का स्क्वायर, इट मीन्स इसको उसी संख्या से मल्टीपल करना है, 434.03। क्लियर। 705.5 माइनस 434.03 इज इक्वल टू 271.47। क्या आएगा, 271.47 किस में, अंडर रूट के अंदर। अब हम अंडर रूट सोल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 16.48। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास में राइस का कितना, सॉरी वेट का, 16.48। क्लियर। नेक्स्ट अब आपके स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बार फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो हम वापस वेट का एक्स बार फाइंड आउट करते हैं। एक्स बार शॉर्टकट मेथड है, इंडिविजुअल सीरीज में हमने देखा शॉर्टकट मेथड से एक्स बार कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन से। ए हमने किसको माना है, 150 को, 150 ए का मान हो जाएगा, प्लस समेशन डी एक्स क्या आया, 125 डिवाइडेड बाई एन 6 है, इसका मतलब एन का मान हो जाएगा आपके 6। 150 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 20.83। यहाँ पे हमने किया था 150 प्लस 20.83, इट मींस 170.83। ये आ गया हमारे क्या, एक्स बार। अब हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया वेट का, एक्स बार भी आ गया, तो हम वेट का सी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी भी यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 16.48 डिवाइडेड बाई 170.83 एक्स बार है हमारे पास में इंटू 100। सिक्सटीन पॉइंट फोर एट डिवाइडेड बाई 170.83 इंटू 100, 9.65% ये आ गया सी वी किसका, वीट का। अब इसी तरीके से हमारे को क्या करना है, राइस का भी सी वी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे को राइस का भी स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट था वीट, सेकेंड हो गया आपके राइस। राइस का स्टैंडर्ड डेविएशन हम अगर हम फाइंड आउट करें, फॉर्मूला समेशन डी वाई स्क्वायर, एक्स की जगह वाई आ जाएगा, बाकी कोई चेंजेज नहीं होगा, माइनस समेशन डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर, टोटल किस में, अंडर रूट के अंदर। समेशन डी वाई स्क्वायर हमारे पास में आया कितना, 193 डिवाइडेड बाई एन का मान है हमारे पास में कितना, 6 माइनस समेशन डी वाई आया हमारे पास में माइनस के 15 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, टोटल अंडर रूट के अंदर। 193 डिवाइडेड बाई 6 ये आएगा 32.17 कर देते हैं, 32.1666 आ रहा है तो 17 कर देते हैं राउंड ऑफ में, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6 2.5 माइनस में है 2.5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर। 32.17 माइनस 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे, 6.25 वैल्यू आएगी प्लस के अंदर, लास्ट जो बीच में साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, तो ओवरऑल जो साइन आएगा वो तो माइनस का ही आएगा, ठीक है। 32.17 माइनस 6.25 इज इक्वल टू 25.92,
25.92 का अंडर रूट होगी, अगर हम फाइंड आउट करें तो 5.091 ये आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, राइस का। अब हमारे को क्या करना है, राइस का एक्स बार भी फाइंड आउट करना है, क्लियर। अब हमारे को निकालना है राइस का एक्स बार, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी वाई अपॉन एन, इसमें डी एक्स की जगह डी वाई आ जाएगा क्योंकि हमने नोटेशन में डी वाई लिखा था, ए हमने माना था इसमें 130 को, प्लस समीशन डी वाई आया हमारे पास में माइनस के 15 डिवाइडेड बाई एन का मान है 6, 130 प्लस माइनस साइन जो आएगा माइनस का आएगा, 15 डिवाइडेड बाई 6 हमने अभी किया था वो आया था हमारे पास में 2.5, 130 डिवाइडेड बाई माइनस 2.5 इज इक्वल टू 127.5, क्लियर। ये हमारे आ जाएगा क्या, एक्स बार। अब हम वेट का सेवी, सॉरी राइस का सेवी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइस का यदि सेवी अगर हम निकालें तो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी फाइंड आउट किया 5.09 डिवाइडेड बाई एक्स बार 127.5 इंटू 100, क्या गया 3.993%। तो इसके इट मीन्स जो वैल्यू आ रही है वो दोनों में से बताना है अब अपनाने को कि वेट और राइस में से कौन ज़्यादा वेरिएबल है। तो अगर हम देखें तो वेट का तो सीवी आया हमारे 9.65%, जबकि राइस का कितना आया 3.993%। इट मीन्स ज़्यादा वेरिएबिलिटी किस में है, वेट के अंदर है, क्लियर। तो प्राइस वेट और मोर वेरिएबल, क्लियर। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमने सेवी निकाल लिया, कंपैरिजन करना था। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे इंडिविजुअल सीरीज का सेवी का, ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं सीवी में। क्वेश्चन आपके डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। उसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में है कि हॉकी खेलने के सत्र में टीम ए द्वारा किए गए गोलों का लेखा निम्न प्रकार है, नंबर ऑफ मैच प्लेड दिया हुआ है और नंबर ऑफ गोल स्कोर इन्हें मैच हमारे को दिया हुआ है। इतने मैच आपने खेले हैं 2, 4, 6, 8, 10 और नंबर ऑफ गोल्स है 0, 4, 3, 2, 1, क्लियर। टीम बी ने 3 औसत गोल प्रति मैच किए, टीम ए की तो इन्फॉर्मेशन हमारे को दिया हुआ है और टीम बी की डायरेक्ट हमारे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि टीम बी ने 3 औसत गोल प्रति मैच किए है और उसका प्रमाप विचलन 1.5 गोल है। इसका मतलब है कि टीम बी का हमारे को एक्स बार दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। कौन सी टीम में अधिक एकरूपता है,
तो हमारे को क्या करना है, टीम ए और टीम बी दोनों में कंपेरिजन करना है। इसका मतलब हमारे को सी वी फाइंड आउट करना है, और सी वी यदि हमारे को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए टीम ए में तो हमारे को कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि उसमें एक्स और एफ का मान हमारे को दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैच प्लेड और नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ए मैच हमारे को दिया हुआ है। और टीम बी के हमारे को डायरेक्ट क्वेश्चन में एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट दिया हुआ है, तो टीम बी का तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मगर टीम ए के लिए हमारे को कैलकुलेशन करनी होगी। क्लियर? कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्लियर? टीम ए जिसमें हमारे को टीम ए में नंबर ऑफ मैच प्लेट तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन ए मैच भी दिया हुआ है, तो जितने मैच खेले हैं वो तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, नंबर ऑफ गोल्स तो आपके एक्स हो जाएंगे और नंबर ऑफ मैच पहले भी हमने क्वेश्चंस देखे थे, जो मैच है वो तो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी और जो गोल्स होते हैं वो हमारे लिए एक्स कहलाते हैं। क्लियर? तो नंबर ऑफ गोल्स हमारे को दिए हुए हैं क्वेश्चंस के अंदर 0, 4, 3, 2, 1 है, तो इसको हम सही तरीके से जमा देंगे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर ऑफ मैच प्लेड ये है आपके पास में 2, फिर जिसके सामने जो एक्स का मान हमने जमाया उसी के अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे को लिखनी है, 10, 8, 6, 4, 10, 8, 6 और 4, तो जो नंबर ऑफ गोल्स है वो तो कर लेंगे हमारी एक्स और नंबर ऑफ मैच है वो कर लेंगे हमारे लिए एफ। क्लियर? अब एक तरह से एक्स और एफ एक तरह से कौन सी सीरीज हो गई हमारे लिए, डिस्क्रीट सीरीज हो गई। क्लियर? अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स बार कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने पहले ही देखा है, तो सबसे पहले हमारे को किसी एक को एज्यूम मीन मान करके डी एक्स का मान फाइंड आउट करना होगा, फिर डी एक्स स्क्वायर का मान भी फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? तो सबसे पहले किसी एक को एज्यूम मीन मानना है, एक्स में से ए माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी उसको हम डिनोट करेंगे किससे, डी एक्स से, किससे डिनोट करेंगे, डी एक्स से। क्लियर? जो एज्यूम मीन मानना हमारे को एक्स की जो वैल्यू होती है उसी में से मानना होता है, हम 2 को एज्यूम मीन मान लेते हैं, 0 - 2 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 0 - 3 - 2 - 1 - 4 - 2 - 2। क्लियर? जो डी एक्स आया है उसका स्क्वायर, क्योंकि हमारे को डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो जो डी एक्स आया उसको उसी संख्या से हमारे को क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा, -2 को -2 से मल्टीपल किया, 4 - 1 को 1 से किया 1, 0, 1 और 4। क्लियर? अब हमारे पास में क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है, इट मीन्स दो कॉलम और बन जाएंगे हमारे, एक बार हम जो डी एक्स आया उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देंगे तो नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा हमारा एफ डी एक्स, उसी प्रकार जो डी एक्स स्क्वायर आया उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देंगे तो लास्ट कॉलम हमारा बन जाएगा एफ डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? डी एक्स को फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देंगे, एफ डी एक्स कहलाएगा, 2 को -2 से मल्टीपल किया, -4, 10 - -1 - 10, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीपल करेंगे 0 ही आएगा, 6 - 1 - 6, 4 - 2 - 8। क्लियर? एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो जो डी एक्स स्क्वायर आया है उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल कर देंगे तो एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर है 4 - 2 - 8, 10 - 1 - 10, 8 - 0 - 6 - 1 - 6, 4 - 4 - 16। क्लियर? ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है उसकी टोटल हमारे को चाहिए, क्योंकि ये टोटल हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल एन कहलाती है, एन का मान कहलाती है 30। एफ डी एक्स चाहिए हमारे को, समीशन एफ डी एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस में आ रहे हैं और 14 ही प्लस में आ रहे हैं, तो ओवरऑल समीशन एफ डी एक्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
उसी प्रकार समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए हमारे को। एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारा कितना 40। अब हमारे को फाइंड आउट करना है क्या सी वी। सबसे पहले हम निकालते हैं टीम ए का। टीम ए का यदि हमारे को सी वी निकालना है तो सी वी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो उसके लिए हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है और एक्स बार भी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे समीशन डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज है तो समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर आएगा अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर टोटल अंडर रूट के अंदर। क्लियर। अब एफ डी एक्स स्क्वायर अभी हमने फाइंड आउट किया, वो आया हमारे पास में कितना 40 डिवाइडेड बाई एन का मान कितना है 30 माइनस समीशन एफ डी एक्स है 0 डिवाइडेड बाई 30 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। क्लियर। 40 डिवाइडेड बाई 30 4 बाई 3। 40 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 1.33। 1.33 माइनस जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीपल करेंगे रूट करेंगे तो जीरो ही आएगा आपके, तो 1.33 का अंडर रूट निकाल देंगे हम, ये आएगा 1.155। क्लियर। ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। उसी प्रकार हमारे को क्या निकालना है इसमें टीम ए का एक्स बार भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, टीम ए का एक्स बार भी निकालना है। फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, क्योंकि शॉर्टकट मेथड हमने यूज में लिया है तो शॉर्टकट मेथड में जो हम एक्स बार निकालते हैं उसी फॉर्मूले से हमारे को करना होगा। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर ए हमने माना है किसको 2 को माना है प्लस समेशन एफ डी एक्स आया 0 डिवाइडेड बाई 30। इट मीन्स जो एक्स बार माना जाएगा वो क्या माना जाएगा 2 माना जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार दोनों ही मान हमारे पास में आ गए तो उसको हम फॉर्मूले में रख करके हम सी वी का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आया 1.155, एक्स बार है 2 इंटू 100। क्लियर। फिफ्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ये आ गया टीम ए का सी वी। उसी प्रकार अब हमारे को क्या करना है टीम बी का भी निकालना है। टीम बी का यदि हम निकालें टीम बी में हमारे को क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है एक्स बार और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही क्वेश्चन में दिए हुए हैं। टीम बी का एक्स बार तो हमारे को दिया हुआ है, टीम बी ने 3 औसत गोल प्रतिमेज किए। औसत का मतलब क्या होता है एक्स बार होता है, तो इट मीन्स टीम बी का हमारे को एक्स बार दिया हुआ है 3 और उसका प्रमाप विचलन 1.5 गोल है। इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को दिया हुआ है 1.5। तो अब हम टीम बी का सी वी फाइंड आउट कर सकते हैं। सी वी होता है हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100 से। स्टैंडर्ड डेविएशन आया हमारे पास में 1.5, एक्स बार है 3 इंटू 100। ठीक है, इट मीन्स ये आएगा हमारे 50%। कितना आएगा सी वी 50%। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोनों का सी वी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी हमारे को कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है तो उस केस में हमारे को क्या फाइंड आउट करना है सी वी ही हमारे को फाइंड आउट करना है, इसका हमारे को खास ध्यान रखना होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने टीम ए और टीम बी का सी वी फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर। और ये जो आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 44 ये आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके नेक्स्ट एक थ्योरी का टॉपिक और आपके वेरिएंस और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्लियर। और उसके बाद में ये आपका लेसन जो डिस्पर्जन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अगला है आपके प्रसरण, जिसको हम कहते हैं वेरिएंस। प्रसरण इट मीन्स वेरिएंस। वेरिएंस जो हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट किया, पूरा प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन का ही रहेगा। इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा है, क्लियर। अब वेरिएंस जो हम फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेज है कि वेरिएंस जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो जाता है। मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको वापस उसी संख्या से हमारे को मल्टीपल करना है, तो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी क्या, वेरिएंस कहलाएगी, क्लियर। कैलकुलेशन सेम रहेगी आपकी, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने पढ़ा है उसमें इंडिविजुअल सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं और कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेशन और पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला वेरिएंस का क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे उसका हमारे को क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा, ये कहलाएगा हमारा क्या, वेरिएंस। यदि क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हुआ है और हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, इफ वेरिएंस गिवन इन क्वेश्चन एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, जो स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे वो कैसे करेंगे, जो वेरिएंस है उसका अंडर रूट कर देंगे, क्लियर। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर क्वेश्चन में वेरिएंस दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारे को निकालना है तो वेरिएंस का अंडर रूट कर देंगे, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है और वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। अब आपके नेक्स्ट संभाव्य विभ्रम, संभाव्य विभ्रम प्रोबेबल एरर, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीई, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, पीई, ठीक है। पीई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पीई इज इक्वल टू 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका फॉर्मूला होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको 0.6745 से हमारे को क्या करना है, मल्टीपल करना है, वो आएगा हमारा क्या, प्रोबेबल एरर, ठीक है। या एक फॉर्मूला और होता है इसी का, पीई जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन से, जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसका 2/3 हमारे पार्ट हमारे को लेना है, वो आएगा हमारा क्या, प्रोबेबल एरर संभाव्य विभ्रम, ठीक है। और फिर एक लास्ट टॉपिक है आपके सामूहिक प्रमाप विचलन, सामूहिक प्रमाप विचलन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे को निकालना है तो उसके लिए हमने जैसे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का जैसे फॉर्मूला देखा था, वैसे ही इसमें भी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का भी क्या है, फॉर्मूला है। जैसे हमने कंबाइंड अर्थमेटिक मीन पढ़ा था हमने स्टेटिस्टिकल एवरेज के अंदर, वैसे ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन 1, 2 और भी कुछ है, तो जितनी संख्या होगी उतनी संख्या से हमारे को डिनोट करना है। N1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस N n स्टैंडर्ड डेविएशन n का स्क्वायर, जितनी भी संख्या होगी
1, 2, 3 जितने भी स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इक्वेशन में गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग, प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर प्लस nn dn का स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड में आएगा आपके n1 प्लस n2 प्लस nn, ये टोटल वैल्यू आएगी, वो आएगी आपके अंडर रूट के अंदर। ये निकालते हैं, इस तरीके से हम निकालते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर। नेक्स्ट है अब आपके कि जो इसमें क्वेश्चन में अगर आपको एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन का मान दिया हुआ है और एन का मान दिया हुआ है और पूछा जाता है कि हमारे को कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है, तभी हमारे को कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस फॉर्मूले की से, क्लियर। n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, n3 भी होगा तो n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4, इसलिए nn निकालने, n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर प्लस nn dn का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस nn, क्लियर। नेक्स्ट है आपके कि जो हमारे पास में डी का मान है, वो हम डी का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डी का मान आएगा आपके, जैसे डी जो आएगा वो आएगा आपके x बार माइनस x बार 1 2 मीन्स कंबाइन x बार हमारे को माइनस करना होगा, और भी है तो 1 2 3 4 जो भी है, D1 का निकालना है तो यहाँ हम नोटेशन दे देंगे D1 = x bar 1 - x bar 1 2, D2 का निकालेंगे तो नोटेशन हो जाएगा हमारे x bar 2 - x bar 1 2, मतलब कि जो x bar होगा हमारे पास में उसमें से कंबाइन x bar हमारे को माइनस करना है, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो D का मान कहलाएगा, वो D का मान हमारे को यहाँ रखना है, फिर उसके बाद में कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन की हमारे को क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपकी जो लेसन की थ्योरी थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। अब कुछ क्वेश्चंस इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसमें किसी उद्योग में, किसी उद्योग से संबंधित दो फर्म है एक्स और वाई में मजदूरों को दी जाने वाली मासिक मजदूरी के विश्लेषण में निम्न परिणाम निकाले गए हैं। फर्म एक्स और फर्म वाई, दो फर्म आपको दी हुई है, नंबर ऑफ एजेज अर्नर, अब देखना इसको हमारे को नोटेशन देने होंगे, दो फर्म है आपके, फर्म एक्स और फर्म वाई, ठीक है। फर्म एक्स में दिया हुआ है क्वेश्चन में नंबर ऑफ एजेज अर्नर 540, फर्म वाई में है 640। नंबर ऑफ एजेज अर्नर यानी कि इतने मजदूरी प्राप्त करने वाली व्यक्तियों की संख्या हमारे को दी हुई है, इसका मतलब वो तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, एन का मान कहलाएगा। फर्म एक्स में दिया हुआ है 540 और फर्म वाई में हमारे को दिया हुआ है 650, क्लियर। एवरेज मंथली वेजेज हमारे को दी हुई 50 और 46, एवरेज नाम आ रहा है इसका मतलब एक्स बार हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्स बार, ठीक है। यह है 50 और 46, क्लियर। और वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, वेरिएंस, वेरिएंस मींस वी का मान हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो है 81 और 100, क्लियर। यह हमारा क्वेश्चन है, और पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि एक्स और वाई में से कौन सी फर्म अधिक मासिक मजदूरी का भुगतान करती है, यानी कि एक्स और वाई जो दो फर्म है इनमें से कौन सबसे ज़्यादा पेमेंट कर रही है वेजेज का, और सेकंड है कि एक्स और वाई में से किस फर्म में व्यक्तिगत मजदूरी में अधिक विचरणता है, इट मीन्स किस में मोर ग्रेटर वेरिएबिलिटी है, क्लियर। अब वेरिएबिलिटी निकालनी है, कंपेरिजन करना है, इट मीन्स हमारे को इसमें CVB फाइंड आउट करना है, दो पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करने हैं, एक तो वेजेज कितनी आएगी एक्स की और वाई की, और कौन सी फर्म ज़्यादा वेजेज का पेमेंट कर रही है, दूसरा मेरे को कंपैरिजन करना है कि मोर वेरिएबिलिटी किस में है, तो उसके लिए मेरे को CV फाइंड आउट करना होगा। अब अगर हम देखें एन का मान, हम एक्स बार और वेरिएंस हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो जो एन का मान एक्स का है वो तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, एन वन कहलाएगा, इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एन वन बराबर 540
एन टू बराबर 650। नोटेशन हमारे को खुद को देने होंगे, x बार दिया हुआ है फर्म x का, n1 इसको दिया है तो x बार 1 भी हम इसी को दे देंगे और 50। उसी प्रकार फर्म y को x बार 2 इज इक्वल टू 46 है। उसी प्रकार वेरिएंस दिया हुआ है तो फर्म x का जो वेरिएंस होगा वो तो कहलाएगा आपका v1 और इसका कहलाएगा वेरिएंस 2। क्लियर। इस तरीके से हमारे को क्या करने होंगे, नोटेशन देने होंगे और उसके बाद हमारे को क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे को फाइंड आउट करना है क्या क्वेश्चंस के अंदर, कौन सी फर्म अधिक मजदूरी का पेमेंट कर रही है। इट मींस हमारे को वेजेस फाइंड आउट करनी है, क्या निकालनी है, लार्ज अमाउंट ऑफ मंथली वेजेज। क्लियर। अब जैसे फर्म एक्स का अगर हम निकालें, फर्म एक्स की अगर हमारे को मजदूरी निकालनी है तो उस केस में मजदूरी हम निकालेंगे कैसे। पहली बात कि एन का मान और एक्स बार का मान हमारे को दिया हुआ है, हमने स्टेटिस्टिकल एवरेज जो हमने लेसन देखा था उसमें भी हमने वेजेज के कुछ क्वेश्चंस इसी टाइप के थे, वो हमने देखे थे कि अगर हमारे को टोटल मजदूरी अगर निकालनी होती तो हम क्या करते हैं, एक्स बार के फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, कंबाइन सॉरी नॉर्मल जो एक्स बार सिंपल अर्थमेटिक मीन जो हम फाइंड आउट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमारे को क्या करना होता है, इसमें समेशन एक्स का मान फाइंड आउट करना होता है, जो समेशन एक्स का मान आता है वही हमारी टोटल वेजेज कहलाती है। उसी प्रकार हमारे को इसमें भी क्या करना है, समेशन एक्स का मान फाइंड आउट करना है। फर्म एक्स का अगर हम देखें तो एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। क्लियर। अब फर्म एक्स की अगर मजदूरी निकालेंगे तो फर्म एक्स का एक्स बार हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 50, समेशन एक्स हमारे को फाइंड आउट करना है और एक्स एन का मान हमारे को दिया हुआ है कितना 540। तो अगर 540 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा, इट मीन्स 50 इंटू 540 इज इक्वल टू समेशन एक्स। तो इसीलिए जो समेशन एक्स आएगा वो क्या आएगा, 540 इज इक्वल टू 27,000। इसका मतलब ये फर्म एक्स की वेजेज आ गई कितनी 27,000। उसी प्रकार हमारे को किसकी निकालनी है, फर्म वाई की भी वेजेज निकालनी है। फर्म वाई में एक्स बार निकालेंगे हम वापस समेशन एक्स अपॉन एन से, एक्स बार हमारे को दिया हुआ है इसका एक्स बार 2 है ये, ठीक है, एक्स बार 2 कितना 46 है, तो फर्म इसका ले लेंगे हम एक्स बार 46। समेशन एक्स हमारे को फाइंड आउट करना है, एन का मान 650, एन का मान कितना है 650। अब 650 को अगर हम इधर लेकर के जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, मल्टीपल में, 46 इंटू 650 इज इक्वल टू समेशन एक्स, इसलिए समेशन एक्स क्या आ जाएगा 650 इंटू 46 इज इक्वल टू 29,900। इसका मतलब फर्म एक्स तो कितनी मजदूरी पेमेंट कर रही है 27,000, फर्म वाई कितनी मजदूरी पेमेंट कर रही है 29,900। तो कौन सी फर्म ज़्यादा पेमेंट कर रही है, वाई ज़्यादा पेमेंट कर रही है। क्लियर। तो हमारे को सिर्फ एक लाइन लिखनी है यहाँ पे, वाई पे फर्म वाई पे ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेजेज, फर्म वाई पे ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेजेज, बस ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। क्लियर। सेकेंड हमारे को इसमें फाइंड आउट करना है कि मोर वेरिएबिलिटी निकालनी है, इट मीन्स हमारे को सी वी फाइंड आउट करना है दोनों का, फर्म एक्स का भी और फर्म वाई का भी। नेक्स्ट सी वी 1, 2, 3। सेकेंड में हमारे को निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फर्म एक्स का अगर हम निकालें तो फर्म एक्स का यदि हमारे को सीवी निकालना है तो सीवी का फॉर्मूला होता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100।
अब हमारे पास में एक्स बार तो है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, मगर क्वेश्चन में क्या वेरियंस है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उस केस में हम वेरियंस हमारे को दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारे को निकालना है तो हम क्या कर देंगे, वेरियंस का अंडर रूट कर देंगे। क्लियर? तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरियंस का अंडर रूट। फिर मैक्स का निकाल रहे तो फिर मैक्स का वेरियंस कितना है, 81। 81 का अंडर रूट करते हैं हम तो वो आएगा आपके 9। इसका मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एक्स बार हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, सी वी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास में कितना, 9। एक्स बार कितना है, 50 इंटू 100। इट मीन्स जो सी वी आएगा वो कितना आएगा, 18%। सी वी कितना आ जाएगा, 18%। क्लियर? सेकेंड हमारे को निकालना है फर्म वाई का, फर्म वाई में भी हमारे को क्या निकालना है, सी वी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब उस केस में भी हमारे को फर्म वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, वेरियंस का अंडर रूट कर देंगे। वेरियंस कितना है इसका, 100। इट मीन्स 100 का अंडर रूट 10। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास में कितना, 10। एक्स बार क्वेश्चन में दिया हुआ है 46, तो सी वी आ जाएगा आपके 10 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100 इज इक्वल टू 21.74। क्लियर? ये आपके आंसर हो गए। तो किसमें मोर वेरिएबिलिटी दिख रही है, इसका सी वी आया 18%, इसका आया 21.74%। इट मीन्स फर्म वाई ज़्यादा वेरिएबल है। क्लियर? फर्म वाई में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 47 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद और जो क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।